भी को राम राम भाई। टी जी टी इंग्लिश पास मुख्यतः दो नोटिस पर बात करेंगे। एक तो पहला तो मेवात कैडर का जो है ना इंटरव्यू शेड्यूल आ गया है, इंटरव्यू होंगे और सिर्फ उनके होंगे जिनके पहले नहीं हुए हैं। लिस्ट पूरी आई है तो इसमें अपना रोल नंबर ज़रूर चेक करना, अगर किसी की ज़रूरत है तो उसने जाना पड़ेगा, नहीं तो ये एक अच्छी खबर है कि इनके इंटरव्यू हो जाएंगे और रिजल्ट का रास्ता साफ होगा। और दूसरा रेस्ट ऑफ हरियाणा के लिए अभी कुछ स्क्रूटनी और की जा रही है, उसके बारे में भी बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं मेवात कैडर की, टीजीटी इंग्लिश की। इन कंटिन्यूएशन ऑफ अर्लियर नोटिस 19/2/17 यानी कि इस डेट से इनके इंटरव्यू चल रहे हैं और अब ये बियरिंग फॉलोइंग रोल नंबर हैव बीन कॉल्ड फॉर इंटरव्यू प्रोविजनली एंड फर्दर सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ देयर एलिजिबिलिटी कंडीशन एज पर द रेस्पेक्टिव एडवर्टाइजमेंट एंड सर्विस रूल्स। द मार्क्स सिक्योर्ड बाय द लास्ट शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैव बीन गिवन इन ब्रैकेट। कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी बीन इंटरव्यूड नीड नॉट टू कम। लिस्ट ऑफ कैंडिडेट हु आर रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर इंटरव्यू इज गिवन एट द एंड। तो इसका मोटा मोटा मतलब कि है अगर भाई डबल के लगभग इन्होंने ये बुलाए हैं, ट्वाइस इक्वल टू ट्वाइस यानी कि 341 पोस्ट है तो इसका दुगना इसके लिए बुलाए हैं इंटरव्यू के लिए। और इसमें देखो ये लिस्ट है, जैसे जर्नल की 87 पोस्ट थी प्लस 34 एसबीसी अर्लियर जो एसबीसी कैटेगरी बनी थी उस टाइम से होगा ये उनका भी है मामला। तो ये रो नंबर भाई अपने चेकर्स को ये इंटरव्यू के लिए बुलाए हैं, लेकिन इनमें से जिनका पहले इंटरव्यू हो चुका है उनको अब नहीं जाना है। मैं आगे वो लिस्ट भी दिखाऊंगा जिसमें जाना है। तो भैया जर्नल की लगी है 68 पे, लास्ट जो कैंडिडेट है उसके 68 मार्क्स हैं। एससी की 58 पोस्ट है लेकिन ये पूरी नहीं भरी है, 52 पर लगी है। बीसीए की 45 पोस्ट है, ये भी नहीं पूरी। नो अदर एलिजिबल कैंडिडेट अवेलेबल यानी इनका दुगुना नहीं मिला है इनमें। बीसीबी में 76 पर लगी, बीसीबी ज़्यादा ऊपर गई भाई। बीसीए 62 पर, बीसीबी 72 पर, यह जर्नल से भी ऊपर भाई बीसीबी गई है। जर्नल की आप देख सको हो या 68 पे और बीसीबी 76 पे, यह भी हैरानी की बात है, काफ़ी ऊपर गई। इस तो अच्छा थी जर्नल नंबर लेते। अच्छा ईबीपीजीसी ये कैटेगरी थी उस टाइम तक, वो पुरानी भर्ती इसलिए 56 पे है इनकी भाई। ईएसएम जर्नल 72 पे और ये छोटे छोटे दो चार रिजल्ट और हैं। अब इसमें नीचे हम जब जाते हैं ये देखो ये रो नंबर, एज पर रिकॉर्ड ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट द फॉलोइंग हैव ऑलरेडी बीन इंटरव्यूड एंड देयर फॉर नाउ फॉलोइंग कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू कम फॉर इंटरव्यू। यानी ये जो रो नंबर है ना भाई सिर्फ इनको जाना है, इनके अलावा जो भी रो नंबर ऊपर लिस्ट में है ये देख सको आप स्क्रीन पर भी है, लिस्ट भी एचएसएससी की साइट पर डाउनलोड करो, सिर्फ इन रो नंबर को जाना है भाई इंटरव्यू के लिए। बाकी जो रो नंबर ऊपर जितने भी है ना उनके सब के इंटरव्यू हो चुके हैं। तो इस लिस्ट में अपना नाम देखो और अगर आपका पहले हो रुक चुका है तो इस लिस्ट में आपका नाम नहीं मिलेगा, और अगर इसमें मिलता है तो आपको ज़रूर जाना चाहिए। और वैसे सबको पता है कि इसका इंटरव्यू है नहीं क्योंकि उन्होंने सारा चेक कर लिया है। द इंटरव्यू ऑफ द अबव कैंडिडेट विल बी हेल्ड ऑन 10 अगस्त को इनका इंटरव्यू होगा भाई। The candidate are advised to download the admit card for interview on or after 6 तारीख ना आपके इंटरव्यू कार्ड आ जाएंगे और 9 बजे वहाँ पर रिपोर्ट करना है कमीशन ऑफिस पे। और वो जो डॉक्यूमेंट वगैरह ले जाने हैं इसमें मोटी मोटी ही बात यह थी भाई इन रो नंबर को इंटरव्यू के लिए पहुँचना है, अपना एडमिट कार्ड डॉक्यूमेंट वगैरह लेकर जो भी चेक हो ये है। दूसरी अपडेट है भाई रेस्ट ऑफ, तो रेस्ट ऑफ हरियाणा में भाई अभी डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी चल रही है और स्क्रूटनी के बाद इनके इंटरव्यू आएंगे सिर्फ उनके जिनके पहले नहीं हुए हैं। तो एक नोटिस आया है, यो 4-6 ने पहला नोटिस आया था यानी कि 2 महीने के लगभग इन बातों को होने को आए हैं भाई। 8वां महीना आ गया है, 6ठे में इंटरव्यू शुरू, ये स्क्रूटनी शुरू थी, 2 महीने में स्क्रूटनी निमट दी, कुछ लंबा प्रोसीजर लग रहा है। द कमीशन हैज़ डिसाइडेड टू कॉल फॉलोइंग शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट प्रोविजनल टू अ सर्टेन एज एलिजिबल कैंडिडेट एंड फर्दर सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट। यानी कि ये रो नंबर जो है ना नीचे जो दिए गए हैं स्क्रीन पर आप देख सको, ये दोबारा नहीं बुलाए हैं आके एलिजिबल कैंडिडेट पूरे करने के लिए, क्योंकि दुगने के लगभग का ये इंटरव्यू लेते हैं तो
तो जैसे 644 पोस्ट हैं तो इसका दुगुना उनका इंटरव्यू लेंगे, ये नियम बना दिया, तो इसलिए इनके दुगुने के डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी ये करेंगे। और ये डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी के लिए ये रो नंबर है, आप स्क्रीन पे देख सको हो, HSSC साइट पे ये पड़ा हो, वहाँ से डाउनलोड करो। द स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ द अबव कैंडिडेट विल बी हेल्ड ऑन 8/8, इनकी 8 अगस्त को होगी भाई स्क्रूटनी। द कैंडिडेट 9 बजे पहुँचना है वो कमीशन ऑफिस पे, 10 को इंटरव्यू वाले जाएंगे मेवात वाले और 8 को रेस्ट ऑफ हरियाणा कैडर के स्क्रूटनी के लिए जाएंगे। यही है रो नंबर, बियरिंग रो नंबर जो जा रहे हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सेट ऑफ अटेस्टेड कॉपी, ये जो जो डॉक्यूमेंट इसमें लिख रखे हैं सारा को जाना पड़ेगा। ट्वाइस नंबर ऑफ करने के लिए कहा जा रहा है, इनका सब कर, लेकिन इंटरव्यू इनमें से सबका होगा, जितने बुलाए जाएंगे वो देखो अलग से लिस्ट आगे। पहले अगर इंटरव्यू हो लिया तो अब दोबारा नहीं होगा, वो मैंने पहले कई बार बताया। तो इनका तो देखो थोड़ा हटा समय लगेगा इसमें, क्योंकि अभी तो इनके 8 तारीख को डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी होगी, उसके बाद इनका इसका इंटरव्यू का शेड्यूल डाल लेंगे, तो इनमें तो 15-20 दिन और लगेंगे। लेकिन मेवात कैडर का जो है ना 10 तारीख को इंटरव्यू फाइनल हो जाएंगे, तो उनका रिजल्ट फिर जल्द ही आने के चांस बन जाएंगे, क्योंकि उनका तो काम हो जाएगा पूरा। अब ये इसमें थोड़ा है 10-20 दिन महीना और लगेगा, क्योंकि इंटरव्यू वगैरह का प्रोसीजर करेंगे तो मेरे ख्याल 1 महीना तो मान के चलो, उसके बाद ही रिजल्ट का कुछ हो पाएगा। तो छोटी छोटी दो अपडेट थी, एक रेस्ट ऑफ हरियाणा के लिए, एक मेवात कैडर के लिए। अगर मेरी बात पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।